असलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हम सब लोग हो? ऑल ऑफ दी फाइन, वेलकम बैक टू दी माई चैनल लिटिकल मैजिक्स। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 इजी मैजिक ट्रिक्स दिखाऊंगी और सिखाऊंगी भी कि आप उसको कैसे अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। तो पीछे शेयर कर लेते हैं। नाउ ये हमारी फर्स्ट मैजिक ट्रिक्स। हम लोग देखते हैं एक गोल्ड, आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। नाउ यहाँ से जो हमने रेड कलर की गोल्ड ले ली, बिकॉज आई लव रेड कलर, सो यहाँ पर मैंने रेड कलर की गोल्ड ले ली। और इस गोल्ड को जो है मैं कुछ इसी के साथ अपने हैंड में पकड़ती हूँ। एंड नाउ वॉच एंट्री 2-1। अब देख सकते हैं मेरी गोल्ड मैंने शो चुकी है और ये इसमें आ गई। पीछे इसकी ट्रिक की ना गाइस, इसकी ट्रिक बहुत सिंपल सी है। सबसे पहले तो आप जब यूँ करेंगे तो आपने पीछे से कुछ इस एक साथ अपने यूँ ड्रॉप कर देनी है और नीचे आपने अपने हैंड रखना है कुछ इस एक साथ, मतलब इतना नहीं, नीचे आपने इस एक साथ अपना हैंड रखना है। जब इसको लें तो इस एक साथ यूँ करके पकड़ें ताकि आपके ये वाले हैंड में आ जाए कुछ इस एक साथ, ठीक है? जबकि मैंने पकड़ी नहीं है, मैंने नीचे ड्रॉप कर दी कुछ इस तरीके से, ठीक है? और इस तरीके से मेरी हैंड में आ गया। मैंने कहा इसमें है नवा चेंट्री ह्यूमन और कुछ इस तरीके। तो पीछे दूसरी मैजिक की ट्रिक की तरह। नाउ ये हमारी सेकंड मैजिक ट्रिक, इसको हम लोग देख सकते हैं। मेरे पास एक सिंपल सा पेन है, इसको जो मैं वैनिश कर दूँगी। एंड नवा चेंट्री ह्यूमन वैनिश कुछ इस तरीके से। आज मैं चलिए आपको एक मिनट में फिर से दिखाती हूँ। नाउ मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ एंड नवा चेंट्री पेन बहुत सिंपल सी। सबसे पहले तो आप लोगों को कोई सा भी एक पेन पेंसिल कुछ भी चाहिए होगा, उसके बाद आपने जो है कुछ इस एक साथ पकड़ लेना है इस एक साथ, ओके? ना यहाँ पर जो है आपका थंब पीछे होगा, बाकी आपके 4 फिंगर्स आगे होंगे। यहाँ पर जो है आपने अपने थंब की मदद से पुश करना है पीछे की तरफ इस एक साथ, यूँ करके पुश करें। उसके बाद आपकी जो 3 फिंगर्स होंगे, जब आप यूँ पुश करें तो आप इन 3 फिंगर्स के जरिए से इसको यूँ पीछे ले जाएँ कुछ इस एक साथ, और इस एक साथ हमारा पेन यहाँ पर आ जाता है। इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोगों को ये मैजिक आ जाएगा। सो फिर चलें इसी मैजिक की ट्रिक की तरफ। नाउ ये हमारी 3rd मैजिक ट्रिक। हमारे पास एक कॉइन बॉक्स, यहाँ से जो हमें एक कॉइन ले लेते हैं कुछ इस तरीके का। ना इस कॉइन को जो है मैं अपनी मुट्ठी में बंद करूँगी और ये वैनिश हो जाएगा। तो फिर चलें देखते हैं, और इसको जो मैं थोड़ा सा शेक करती हूँ कुछ वैनिश। इसका जो है मैं कुछ इस तरीके से थोड़ा सा और शेक करती हूँ कुछ। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कॉइन आ गया इसकी क्रिकेट तरह। ना इसकी ट्रिक बहुत सिंपल सी। सबसे पहले हमें चाहिए कॉइन कोई सा भी। ना ये कर लेने के बाद आपने जो है इसको लेना होगा, उसके बाद आपने एक्चिंग करनी है जबकि आप इस एक साथ कॉइन को पकड़ेंगे, ओके? ना यहाँ पर जो आप करते हैं तो आप यहाँ पीछे इस एक साथ अपना कॉइन रखते हैं और आगे से लगता है कि पीछे जबकि यहाँ पर आ चुका है। ना इस एक साथ आपके जो पिंक ये 3 फिंगर्स में कर रही होंगी ना आपके ये कॉइन, तो बल्कि इस हैंड में है, इन फिंगर्स में नहीं है 3 फिंगर्स, जबकि आपने 3 फिंगर्स यहाँ रखनी है। बाकी जो 2 फिंगर्स होंगी आपने इस तरीके से रख देना एक्टिंग में थोड़ा सा शेक, सही से आपका कॉइन वैनिश हो जाएगा। फिर जब आप इन्हें लेने लगें फिर आपने बहुत तेज़ी से शेक करना, वरना फिर आपका पता ना चल जाए। इसलिए आप यूँ तेज़ी से शेक करें तो आप आसानी से पीछे से उठा लेंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा। आपने इसे एक्सेप्ट करना है, कॉइन आ जाएगा। तो पीछे 4 मैजिक की, 4th मैजिक की ट्रिक की तरह। ना ये हमारी 4th मैजिक की ट्रिक, आप लोग देख सकते हैं मेजर रबर बैंड है यहाँ पर है ना वॉच एंड चुबन, और देख सकते हैं ये रबर बैंड यहाँ पर आ गई। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ना यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो रबर बैंड है वो यहाँ पर है नवा चेंट्री 2-1, और देख सकते हैं ये जो रबर बैंड थी यहाँ पर आ गई। एक मिनट आप फिर से दिखाते हैं। ना ये जो हमारी रबर बैंड है वो यहाँ पर है नवा चेंट्री 2-1, देख सकते हैं वो कुछ इस एक साथ आगे आ चुकी है। फिर चेंज की ट्रिक की तरफ। ना गाइस इसकी ट्रिक बहुत सिंपल थी। सबसे पहले तो आप लोगों को एक रबर बैंड चाहिए होगी, एक थोड़ी सी लेंथ उसकी लंबी हो ताकि आपके हैंड में पूरा आ सके। ना आप जो है मेरे साथ साथ करते जाए ना भूल ना जाए। आपने जो कुछ इस एक साथ रबर बैंड बनाया उसके बाद आपने इस एक साथ कर लीजिए, ओके? इस एक साथ, उसके बाद आप अपना थंब इस एक साथ रख दें और यहाँ आगे की जो रबर बैंड है इसको इस एक साथ यूं कर लें। मैं आपको फिर से बताती हूँ, यूं करने के बाद आप यहाँ से यूं करें पर अपने थंब टाइट से पकड़ लें, या आपने पकड़ा हुआ होगा ग्रिप, और इसी के साथ आप इसको पीछे ले जाए इस एक साथ, ठीक है? इसे एक साथ बन जाएगी लाइन, ये नीचे आ जाए। उसके बाद आप यहाँ की साइड में जो ये बचेगी उसको आप यूँ लेकर जाएं और अपनी पिंकी फिंगर में कुछ इस एक साथ फंसा लें, और इस एक साथ आपकी रबर बैंड यहाँ पर आएगी। जब आप अपनी पिंकी फिंगर को खोलेंगे तो यहाँ पर इस एक साथ रबर बैंड आ जाएगी। मैं आपको फिर से
ना यहाँ पर जो है हम कहेंगे यहाँ पर है, और जब हम अपनी पिंकी फिंगर को खोलेंगे इस तरीके से, और ना यहाँ पर जो है हमारी इस तरीके से रबर बैंड आ जाएगी। मैं फिर से आपको स्टेप से बताती हूँ, इस तरीके से ऐसे, और फिर उसके बाद ये ऐसा। जब आप ये अपनी पिंकी फिंगर शिमर से आपने शेक करना नहीं करना, बट आप पीछे से नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आगे से दिखाएंगे, कहेंगे ये देखें हमारे रबर बैंड यहाँ पर है, और इस एक सारी रबर बैंड हमारी यहाँ पर आ गई। अच्छा, ये कर लेने के बाद आपने जो है यहाँ, जब आप ये आ जाए तो आप थम से भी, यहाँ थम में तो अभी भी आपकी लगी हुई होगी, अगर आप नोट करें सब तब देख सकते हैं मेरी थोड़ी सी लगी है। इसको जो है आपने इस एक साथ खोल लेना है और यूँ पीछे से भी दिखा दें, और ये तो माई फोर्थ मैजिक ट्रिक है लास्ट मैजिक ट्रिक की तरह। नाउ गाइस, ये हमारी लास्ट मैजिक ट्रिक, इस वक्त आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक नॉर्मल जैक ऑफ कार्ड्स है, सारे कार्ड्स के टिकट है कुछ इस एक साथ ना, और जो है मैं इनको थोड़ा सा मिक्स कर कुछ इस एक साथ, और अब जो है अब मैं यहाँ से कोई सभी एक कार्ड चूज कर लेते हैं, इसके मैंने कार्ड चूज की, आप चाहें तो अपने स्पेक्टेटर से भी चूज करवा सकते हैं ना। अगर हम जो है ये वाला कार्ड देखें तो ये वाला कार्ड है हमारा टू ऑफ स्पेड, सॉरी टू ऑफ डायमंड का कुछ इस तरीके का, ठीक है। यही टू ऑफ डायमंड का कार्ड मैं इसे एक साथ लेती हूँ, इस जैक को यहाँ पर रखती हूँ, और यही टू ऑफ डायमंड का कार्ड लेती हूँ, इसे एक साथ मैं जो हूँ इसको बीच में, आप चाहें तो उनके हैंड में भी कर सकते हैं। ओके, नाउ अब देखें, नाउ वाज एंट्री 2-1, और जो हमारा टू ऑफ डायमंड का था, और अब क्या वो कार्ड रहेगा, और देख सकते हैं वो कार्ड बदल चुका है कभी चेंज की ट्रिक की तरह। नाउ गाइस, यहाँ पर हमें एक नॉर्मल जैक चाहिए होगा कुछ इस एक साथ, चाहें तो अपने कर देते हैं कुछ इस एक साथ। ओके, नाउ यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को आई थिंक पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमने जो है थोड़ा सा कर्ट जो करते हैं वो कैसे करना होता है। सबसे पहले तो हमें जो है आपने कहीं से भी कह देना है कि कोई से भी एक कार्ड चूज करना पसंद था, और ये वाला कार्ड चूज किया, ये कर लेने के बाद ना यहाँ पर जो है आपने, मैंने बताया था कि आप टू कार्ड्स कैसे उठाते हैं। सबसे पहले आपने हाफ डेक को लेना है, और इस तरह से आपकी जब दो कार्ड्स आपको महसूस होने लगे तो आप अचानक से अपनी यहाँ, तो आप अचानक से यहाँ अपनी पिंकी फिंगर रख दें, जैसे आपको महसूस होने लगे कुछ इस तरह से, पूरा मत करेंगे हाफ बस लेंगे, और इस तरह से आपको जैसे महसूस हो जाए के दो कार्ड्स हो गए हैं, इसे एक साथ आप पिंकी फिंगर रख लें। यहाँ से हम अगर जबकि पीछे इसके एक कार्ड है टू ऑफ क्लब्स का, बट हम वो कार्ड नहीं दिखाते, बस आप ऐसे ही करके दिखाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि एक कार्ड अगर गलती से भी आपका स्लिप हो गया तो आपका पूरा मैजिक ख़राब हो जाएगा इस एक साथ। और यही टेन ऑफ क्लब्स का आपने जो है कार्ड रख देना है जल्दी से इस एक साथ, और आपने कहना यही टेन ऑफ क्लब्स का लेते हैं, जबकि टू ऑफ क्लब्स का, टेन ऑफ क्लब्स का भी मेरे डेक में रखा हुआ है, क्योंकि वो सेकंड पोर्शन में हो गया था, अब वो फर्स्ट पोर्शन में, इसलिए ना आपने जो है कुछ इस तरीके से रखना है। आप चाहें तो उनके हैंड में भी कर सकते हैं, क्योंकि हैंड में ज़्यादा वो मज़ा आता है कि मेरे हैंड में था कैसे चेंज हो गया, पेपर में तो फिर भी कोई ट्रिक हम कर सकते हैं इसलिए। एंड आपने कहना ट्रिक जो इस तरीके से आपका जो कार्ड होगा वो टू ऑफ क्लब्स का हो जाएगा। सो गाइस, होप अगर आपको ये मेरी 5 मैजिक ट्रिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर इसी तरीके से अमेजिंग से मैजिक चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, और मैं मिलूंगी अब अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।